हेलो जय हिंद मेरे प्रिय प्रिय देशवासियों, आप लोग से यही निवेदन है कि इस महामारी में अपना सहयोग दें और इसको लड़ें, इससे कोरोना से भागे नहीं, लड़ना है, मरना नहीं है, क्योंकि हम सब मिलकर ही करेंगे कुछ, तभी कुछ होगा। एक आदमी के करने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस एक आदमी करेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, सब थोड़े थोड़े करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कल जनता कर्फ्यू था, उसमें बहुत लोग अपना सहयोग दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद ऐसे ही है कि आप लोग ऐसे ही बनाए ही रखेंगे और आने वाले कल में ऐसे ही जनता कर्फ्यू लगाइए, क्योंकि अप्रोक्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, 80 डिस्ट्रिक्ट अभी तक लॉकडाउन हो चुके हैं, और जितने भी लग रहा है कि हाँ इनको करना है, उनको सरकार कर रही है, तो जो सरकार के नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो कीजिए और अपना स्वास्थ्य पे ख्याल रखिए, और जो भी अर्जेंट वर्क हो तब भी आप घर से बाहर जाइए, नहीं तो कोई उतना अर्जेंट नहीं है तो आप भले थोड़ा कम खाइए बट उतने ही में काम चला लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक परिवार में एक बंदे को हो गया तो पूरी परिवार खत्म हो जाएगी, पूरी परिवार से पूरी समाज से पूरी मोहल्ले, मोहल्ले से पूरे गांव खत्म हो जाएगा, ऐसी बीमारी है। और जो भी मेरे भाई हैं जो बाहर कमाने आए हैं बिहार यूपी से, तो आप लोग घर जाने के अभी सोचिए मत, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में हम लोग हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा बीमारी का अभी प्रकोप है। जो भी सिटी है वहाँ से हम घर जा रहे हैं तो मान लीजिए हमारे वजह से हमारे घर वाले बीमार होंगे, फिर हमारा गांव मोहल्ला सब धीरे धीरे बहुत फैल जाएगा ये बीमारी। तो इससे आप लोग से ही निवेदन है कि आप लोग जहाँ हैं वहाँ अपने आप को सेपरेट रखिए, स्वच्छ रहिए। अगर आपको तबीयत खराब है तो अपने स्वास्थ्य विभाग में जाकर चेकअप कराइए और अपने आप को इलाज कराइए, ठीक है? और उसके बाद अगर जरूरी है तभी आप जाइए बाहर, और जो भी यात्रा कर रहे हैं अभी तक तो बहुत सारी ट्रेनें बंद हो चुकी है, और जो बस से यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए कि बस के छत के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, बस में एक पे एक ऐसे बैठ के जा रहे हैं, उससे मान लीजिए उसमें एक भी अगर पॉजिटिव केस मिल गया तो कितनी बड़ी नुकसान हो जाएगी। तो इससे आप लोग से यही विनती है कि आप अपनों को बचाइए, दूसरे से भी बचिए, अगर आपके वजह से भी किसी को तकलीफ ना हो, यही मेरी अपील है। और आप जहाँ पे भी रहिए स्वच्छ रहिए, आप अगर सही हैं तो आपका परिवार सही है, अगर आप में भी आपके परिवार में एक आदमी का कुछ हो गया तो समझ लीजिए पूरी परिवार खत्म हो जाएगी, पूरी समाज, पूरी गांव खत्म हो जाएगा, ये ऐसा बीमारी है। देख रहे हैं इटली में क्या हाल हुआ है, चाइना में क्या हुआ, तो उससे कुछ हम लोग को सीखना है, कुछ सबक सीखनी है कि हाँ मुझे क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं अपने देश और अपने परिवार के लिए, क्योंकि हम ही हैं तभी दुनिया है, अगर हम नहीं हैं तो कुछ नहीं है। अगर ऐसी महामारी आ जाएगी तो बहुत, अपना इंडिया बहुत पॉपुलेशन वाला है, बहुत कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अवेयरनेस रहिए, भले दो दो रुपये कम कमाए हैं, जितना है उतना ही खाएंगे, बट ज़्यादा दिन की ये नहीं है, जैसे हम अवेयरनेस जितने करेंगे उतने ही ज़्यादा ये खत्म होगी, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दिए तो फिर ये कंट्रोल होने वाला नहीं है, मरना तो सबको तय है। तो इसलिए आप लोग अवेयरनेस अपनाइए और जो भी सरकार मीडिया जो भी कह रही है उनको आप फॉलो कीजिए और अपने आप को स्वच्छ रखिए, क्योंकि स्वच्छ रहेगा तो स्वच्छ ही हमारा भारत रहेगा, अगर हम नहीं स्वच्छ रहेंगे तो हमारी भारत फिर स्वच्छ रहना मुश्किल है। तो यही कहना, जय हिंद, जय भारत।